हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस कुमार, आप देख रहे हैं आईसी न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करा लिए हैं और आपको वेलकम किट आ चुका है तो आपको कस्टमर आईडी का जरूरत पड़ता है नेट बैंकिंग यूज करने के लिए। अगर आप अपना कस्टमर आईडी नहीं जानते हैं तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप एचडीएफसी बैंक का कस्टमर आईडी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, घर बैठे अपना चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये साइट पे आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पर आप आके एचडीएफसी बैंक का अपने अकाउंट का कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं, यही साइट में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यूज़र आईडी यानी कि कस्टमर आईडी आपको डालना पड़ता है नेट बैंकिंग लॉगिन करने के लिए। तो उसके लिए आपको कस्टमर आईडी का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है फॉरगॉट कस्टमर आईडी, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं फॉरगॉट कस्टमर आईडी लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, आपको कस्टमर आईडी पाने के लिए आपको 3 सिंपल स्टेप पूरा करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, 3 स्टेप आप पूरा कर देते हैं तो आपको कस्टमर आईडी प्राप्त हो जाता है आपका अपने बैंक अकाउंट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है जो आपका बैंक अकाउंट से रजिस्टर किया हुआ है, वो नंबर यहाँ पर टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप कर देना है, जो आपका बैंक अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, जन्म तारीख वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे पैन नंबर टाइप करेंगे, पैन कार्ड का जो नंबर है, और कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो आपका रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी भी डालना पड़ता है। चलिए हम आपको इसे फिल करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सारा डिटेल फिल कर दिए हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा मेरे पास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो मेरा रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, तो उसे हम चेक करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, पासवर्ड मेरा रजिस्टर मोबाइल पर जा चुका है, ओटीपी यानी कि यहाँ पर टाइप कर देंगे वो पासवर्ड को। तो देखिए, मेरा मोबाइल पे आ गया है पासवर्ड, यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो देखिए, हमने ओटीपी यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको कस्टमर आईडी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, योर कस्टमर आई डी इज, यहाँ पर आपका कस्टमर आई डी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट का कस्टमर आई डी पता कर सकते हैं। दोस्तों, हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह से आप घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो देखने को मिलते रहेगा। साथ ही बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको नए नए अपडेट भी मिल सके। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।